13 जुलाई को इंडिया की टीम श्रीलंका के साथ पहला वनडे खेलेगी। 20 खिलाड़ी की जो टीम इंडिया श्रीलंका लेकर गई है उसको वैसे तो श्रीलंका के पूर्व कैप्टन अर्जुना रानातुंगा ने श्रीलंका की टीम की इंसल्ट बताया था, पर जिस तरह श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हद से ज्यादा घटिया प्रदर्शन किया है, ये वाली टीम इंडिया भी लंका जाकर लंका की लंका लगा सकती है। फर्स्ट ओडीआई में क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बता रहा हूं अगले 3 मिनट में। शिखर धवन टीम इंडिया के कप्तान हैं तो उनका नंबर तो टीम में फिक्स है, पर उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा यही इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। आईपीएल में दिल्ली की टीम के उनके पार्टनर पृथ्वी शॉ इस रेस में सबसे आगे हैं। पृथ्वी ने न्यूजीलैंड टूर पर 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले थे पर कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, पर आईपीएल में वो रेड हॉट फॉर्म में दिखे थे और माना यही जा रहा है कि टीम इंडिया के बाकी दो ओपनर्स चाहे वो देवदत्त पडिकल हो या ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों से ही वो आगे चल रहे हैं। वैसे संजू सैमसन भी टीम इंडिया में है और आईपीएल टीम्स के लिए तो नीतीश राणा और ईशान किशन भी ओपनिंग करते हैं, बट ये सभी प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और जो एक ओपनर की जगह है वो मुझे तो लगता है कि पृथ्वी शॉ को ही जाएगी। आपका क्या कहना है, कौन होना चाहिए शिखर धवन का ओपनिंग पार्टनर, कॉमेंट्स में बताइए ना। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नंबर 3, 4 और 5 पर बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन है, पर एक खिलाड़ी जिसका नाम फिक्स होगा वो है सूर्य कुमार यादव। स्काई नंबर 3, 4, 5 कहीं भी फिट हो सकते हैं और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हिट हो सकते हैं। उनके अलावा बाकी दो जगह के लिए संजू सैमसन, नीतीश राणा, ईशान किशन के अलावा एक्सपीरियंस मनीष पांडे भी हैं। जगह 2 और खिलाड़ी 4 बहुत नाइंसाफी है। ईशान किशन इस साल आईपीएल में बहुत सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखे थे और यही वजह है कि विकेट कीपर की पोजीशन संजू सैमसन को जा सकती है और वो इन दो जगह में से एक जगह अपने लिए बुक करा सकते हैं। बाकी नंबर 5 के लिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मनीष पांडे के पास और भले ही आप लोग कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि ये जगह मनीष पांडे को ही जाएगी क्योंकि नाजुक सिचुएशन में टीम इंडिया को एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती है। आपके हिसाब से नंबर 3, 4 और 5 पर कौन से 3 प्लेयर खेलने चाहिए, कमेंट्स में आप मुझे अपना क्रिकेटिंग ज्ञान दिखाइए। नंबर 6 और नंबर 7 पर कौन खेलेगा इस बात को प्रेडिक्ट करने के लिए कोई इनाम नहीं होना चाहिए, एक ही घर से ये दोनों जगह फिल होने वाली हैं। हार्दिक पंड्या और कृणाल पंड्या दोनों के लिए ही ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही भाइयों में टैलेंट तो बहुत है पर काफी टाइम से कोई किलिच पारी इन दोनों ही भाइयों ने नहीं खेली है। जडेजा और अक्षर पटेल के ना होने से ये दोनों ही जगह पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और मौके पर चौका मार के पंड्या ब्रदर्स टीम इंडिया में अपनी जगह सील कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं तो बोलर्स में उनके नाम पर पहली मोहर लगना नेचुरल है, पर नंबर 8 पर भुवी के बाद नंबर 9, 10 और 11 किस बोलर को जाना चाहिए ये टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की सबसे बड़ी टेंशन होने वाली है। अब 4 मेन बोलर्स में टीम इंडिया 3 फास्ट बोलर्स और 1 स्पिनर खिलाती है तो ये अकेला स्पिनर युजवेंद्र चहल ही होंगे, लिख के ले लीजिए मुझसे। फॉर्म बढ़िया भले ही ना हो पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस चहल के फेवर में जाता है, पर श्रीलंका की पिचेस पर फास्ट बोलर्स कम और स्पिनर्स ज्यादा हावी रहते हैं, सो मुझे लगता है कि भुवी के साथ फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी मिलेगी किसको, दीपक चहर को, जिनके पास ना सिर्फ ज्यादा एक्सपीरियंस है बल्कि नवदीप सैनी और चेतन सकारिया से ज्यादा कंट्रोल भी है। हाँ, भुवी और दीपक चहर दोनों ही एक जैसी ही बॉलिंग करते हैं, दोनों ही स्विंग बॉलर्स हैं, पर श्रीलंका की पिचेस पर रफ्तार कम कंट्रोल ज्यादा चाहिए, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से अब जो आखिरी जगह एक स्पिनर के लिए बची है उस पर भारी डिबेट हो सकती है। कुलदीप यादव, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती तीनों ही इस वन स्पिनर स्लॉट के लिए कॉम्पिटिशन में है। श्रीलंका तो अपने आप में ही लैंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से तो वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, पर लगता है कि टीम इंडिया राहुल चहर को इस पोजीशन पर खिलाएगी। तो ये तो थी मेरी इंडिया श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई के लिए प्लेइंग 11। आपकी जो प्लेइंग 11 हो उसको आप कमेंट्स में लिख डालना। क्रिकेट की बातें तो सभी करते हैं, पता तो चले कि आप में से सुपर सिलेक्टर है कौन। मेरा नाम है चैन रस्तोगी और अनकट पर मैं क्रिकेट से जुड़ी सारे न्यूज, सारी अपडेट्स आपके पास लेकर आऊंगा। खूब बातें होंगी और आपका पार्टिसिपेशन भी होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और देखते रहिए अनकट।